स्कूलों में बिना टीचर हो रही पढ़ाई 12 सालों से नहीं हुई, शिक्षा सेवकों की नियुक्ति अधर में नौनिहालों का भविष्य। में शुरू हुआ नवीमुंबई महानगर पालिका का ये वही कांशीराम हिंदी विद्यालय है जहां रवाले और आंबेडकर नगर इलाके के 2000 से अधिक परप्रांतीय छात्र पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले हिंदी टीचर ही नहीं हैं। 11 साल पहले भाषा के नाम पर इस विद्यालय को प्रारंभ किया गया था ताकि गैर मराठी बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षण मिल सके, लेकिन हालत यह है कि डेडिकेटेड शिक्षकों के अभाव में छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ताज्जुब इस बात का है कि नौनिहालों के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर प्रशासन, सरकार और स्थानीय नेता हर कोई खामोश है। सच्चाई यही है कि 2009 के बाद में शिक्षण सेवकों की किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं हुई थी, और उसके बाद जो भर्ती हुई है वो भी मराठी माध्यम की हुई है। जहाँ डेडिकेटेड टीचर की आवश्यकता होती है वहाँ आपको, मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर स्कूल नंबर 78 है, यहाँ तो शुरुआती तौर पर सारे के सारे मराठी टीचर थे, जो मतलब बालवाड़ी से लेके 8वीं तक पढ़ाने वाले। उसके बाद ये बच्चे 8वीं से बाद में 9वीं 10वीं में गए, वहाँ भी उनको मराठी के टीचर ही पढ़ा रहे हैं। ये दो स्कूल बनाने का कारण ही यही था। जब यहाँ हमारे वार्ड में राजर्षि शाहू महाराज विद्यालय बनाया गया था तो 2009 में इसका सेग्रीगेशन हुआ, बंटवारा हुआ, भाषा के ऊपर हुआ, क्योंकि हमने देखा था जो खैराती स्कूल होते हैं सारे गरीब जो लोग होते हैं वो खैराती स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिड डे मील मिलता है, कपड़ा मिलता है, जूता मिलता है, कापी किताब मिलता है, इसलिए वो वहाँ पर डालते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि पढ़ाने वाला शिक्षक अगर मराठी माध्यम में पढ़ा रहा है तो बैठा हुआ जो बच्चा है वो उसकी भाषा सुन नहीं पा रहा है, तो वो बच्चा उस टीचर के लिए वो कर्णबधिर बच्चा, यानी कि वो उसकी भाषा ही नहीं समझ पा रहा है। इसके चलते वो क्लास हमेशा अशांत रहते थे, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। जैसे कि कई मुद्दे मैं उठा रहा हूँ, मेयर था तभी उठाया, सभापति था तभी उठाया, लेकिन इसके ऊपर गौर करने वाला ना कोई शासकीय प्रशासकीय कोई अधिकारी मुझे मिला है, ना कोई राजनीतिक नेता मिला है कि जो इसके ऊपर आस्था के साथ इसकी विचार पूछ करे। बताना जरूरी है कि वर्ष 2009 में छत्रपति शाहू जी महाराज विद्यालय के 3500 छात्रों में से छांटकर 1500 छात्रों के लिए हिंदी विद्यालय प्रारंभ किया गया था। नियमों के अनुसार यहां तत्काल पर्याप्त हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति होना अनिवार्य था, लेकिन 12 साल बाद भी यहां शिक्षक सेवक को नहीं भेजा गया। मजबूरन मराठी टीचर ही इन छात्रों का माई बाप बनकर पढ़ाई कराते हैं। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने सवाल उठा रहे हैं कि जब विद्यालय ही भाषा के नाम पर शुरू हुआ तब इन छात्रों के लिए डेडिकेटेड हिंदी टीचर भला क्यों नहीं मिलने चाहिए। 3500 बच्चे आज हमारे शाहू जी महाराज विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल नंबर 78 माननीय कांशीराम जी विद्यालय में 2000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। ये 2000 बच्चे अगर 3500 बच्चों में मिक्स कर दो और वहाँ एक ही भाषा में पढ़ाओ तो क्या असर होगा, आप देखिए। ये तो हो गया, लेकिन भाषा के ऊपर बच्चों को अलग किया, कापी किताब अलग आ गई, हिंदी की आ गई, लेकिन पढ़ाने वाले वही मराठी के हैं। आप जाके देखिए, मराठी माध्यम की सारी किताबें आती है लेकिन हिंदी माध्यम की कोई किताब नहीं आती है, जबकि ये जो शिक्षक है वो अपने बलबूते पर उनको तैयार करके लेते हैं, और कुछ रिजल्ट जो 2-5% आता है वो वैसे आता है, और उनकी शिक्षा स्तर जो है वो बहुत ही भयानक है। शिक्षण व्यवस्था हमारे पास अच्छी नहीं है, और राज्य सरकार की भावना नहीं है इनको पढ़ाने की, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और राज्य सरकार का शिक्षा विभाग इसको जिम्मेवार मानता हूं। महानगर पालिका के हिंदी स्कूलों में मुसीबत सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं है, स्कूल प्रिंसिपल की माने तो हिंदी छात्रों के लिए जरूरी पाठ्य पुस्तकें भी समय पर नहीं मिलती हैं। मांग के बाद भी शिक्षा सत्र खत्म होने तक इन किताबों का इंतजार करना पड़ता है। सवाल यह है कि जहां टीचर ही नहीं है वहां बच्चे कौन सा भूगोल और इतिहास पढ़ेंगे और कौन सा गणित सुलझा पाएंगे, यह समझना कठिन नहीं है। उम्मीद है कि नवीमुंबई महानगर पालिका नींद से जागेगी और छात्रों के हित में
जरूरी पहल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।